अगर आप किसी के साथ अच्छा करो ना तो आपके साथ में भी बहुत ही अच्छा होगा। कहते हैं ना, भगवान नहीं है, लेकिन नहीं, भगवान है, वो सब कुछ देखते हैं। तो मैं कह दूँ भगवान है। और ये देखिए, ये जो सामने मेरी दादी को देख रहे हैं, ये दादी 2-3 घर में शाम को 5 बजे आई और खाना मांग रही थी, पर किसी के घर में खाना नहीं था और इत्तेफाक से मेरे घर में खाना था, क्योंकि पीहू उस दिन खाना नहीं खाई थी। मैं भी खाना कम ही बनाती हूँ, लेकिन उस दिन मेरे घर में खाना था। और दादी जैसे ही दो निवाला ही उठाई थी ना, वैसे ही हस्बैंड जी फ़ोन कर दिए। फ़ोन करके उन्होंने मुझे कहा कि मेरे लिए कोई लिम्बिया से गिफ्ट लेके आया है। मैं आप लोगों को गिफ्ट दिखाती हूँ। ये गिफ्ट नहीं है, ये इसे सब कुछ देखना होता है कि मम्मी क्या कर रही है, नहीं कर रही है। और ये देखिए, वो है ये गिफ्ट, देख रहे हैं कितना सारा चॉकलेट है। ये विदेश से आया है ये चॉकलेट, आप लोग जानते होंगे, मैं नहीं जानती लिम्बिया कहाँ पे है, तो ये वहाँ से आया है ये चॉकलेट। और ये सबसे कीमती तोहफा, पता है इसको मेरे हस्बैंड जी सर्च किए कि इस चश्मे की कीमत क्या है, और पता है इस चश्मे की कीमत क्या है? आप लोग भी सर्च कर सकते हैं, मैं आपको नाम दिखा दे रही, देखिए आप लोग भी सर्च करके नेट पे देखिएगा कि इसकी कीमत क्या है। और इसकी कीमत है 20,000 रुपया। देखिए इतना कीमती तोहफा। तो बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर आप किसी के साथ में अच्छा करें ना, तो आपके साथ में भी ज़रूर अच्छा होगा। और देखिए, वो बोली ना कि वो बूढ़ी दादी दो निवाला उठाई थी और उसी वक्त हस्बैंड जी फ़ोन करके बोले कि मेरे लिए, बाबू लोग के लिए ये सब गिफ्ट लाए हैं वो। तो सुन के तो बहुत खुशी हुई, बहुत ही ज़्यादा खुशी। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज दिन है मंगलवार और मेरी पूजा कंप्लीट हो चुकी है और अभी घड़ी में 8:30 बज रहे हैं। और इधर देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ मेरी चाय उबल रही है। तो चलिए, सुबह दिन की शुरुआत मैं इस चाय से करूँगी और उसके बाद आज बनने वाला है, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, एक मिनट। और रात को मैं ये छोले भिगो के रखी थी, तो ये छोला बनाऊंगी। और इसके साथ में है गर्मा गर्म पराठा। तो चाय पी लूँ, मेरी चाय बन चुकी है, तो मैं पहले चाय पी लूँ, उसके बाद मैं नाश्ता बनाऊंगी।
ये गाइस मेरा नाश्ता बनके कंप्लीट हो गया है और ये प्लेट है मेरे हस्बैंड जी के लिए। और ये देखिए, ये तीन कोने वाले पराठे बनाई हूँ मैं। चलिए मैं उनको दे दूँ नाश्ता। तो आज के खाने, आज के दोपहर के खाने में है ये, क्या बोलते हैं, ये भूल जाती हूँ, ये ओल की सब्ज़ी जो मैं कट कर ली हूँ, इसे बॉईल करूँगी, और चावल दाल सैलेड रहेगा। और आज के, आज का भी स्पेशल कुछ है, ये न्यू रेसिपी मैं आज बनाऊँगी। ये लोटे माछ लाए हैं वो, मतलब लोटे, सॉरी मतलब बंगला बोली, मतलब लोटे, हम लोग बंगला बोलते बोलते ना मेरा थोड़ा हाई हो गया, लोटे मछली है ये। तो ये क्या बोलते हैं इसको, इसका मैं पकौड़ा बनाऊँगी। रोटी मछली का मैं पकौड़ा बनाऊंगी, देखो फर्स्ट टाइम बनाऊंगी कैसा बनेगा। सिर्फ मेरे घर में एक चीज़ नहीं है, वो है धनिया पत्ती, वो नहीं है, उसके बिना थोड़ा थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन चलिए मैनेज कर लूँगी। मार्केट भी तो नज़दीक नहीं है ना कि चली जाऊँ दौड़ के। तो चलिए, बहुत देर भी हो चुकी है, आज मैं शॉर्ट वीडियो बनाने लगी तो मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया। देखिए बिंदी लिपस्टिक शॉर्ट वीडियो बना रही थी, इसलिए लेट हो चुकी है मुझे। और सारा काम तो अकेले का ही करना है, मम्मी पता नहीं कब आएगी कि मुझे इन कामों से छुटकारा मिल जाए। तो चलिए मैं खाना बनाना स्टार्ट करूँ, फिर आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग में। घर के दो बज चुके हैं और मेरा खाना भी कंप्लीट हो चुका है, हस्बैंड जी भी आ चुके हैं। और आज का मेरा मेनू है, मेरे लंच का मेनू है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है चावल, ये है दही, ये है दाल, और ये है ओल की सब्ज़ी, और ये है सैलेड, और इधर ये मैं लोटे माछ का, मतलब इसको भूज, इसको फ्राई करके पूरा, मतलब इसको बहुत कौसा कौसा इसका, इसको मैं रखी हूँ। तो मैं अभी बड़ा बनाने जा रही थी, तो हस्बैंड बोले नहीं चाय के साथ में खाऊंगा, शाम को बनाना। तो मैं इस लोटे माछ का बड़ा मैं शाम को बनाऊंगी, अभी मैं इसे रहने दूंगी। और इधर ये सब है खाना, तो चलिए मैं हस्बैंड जी को दे दूँ। और मैं अपने खाने की शुरुआत पहले हस्बैंड जी से ही करती हूँ, पहले हस्बैंड जी को दे देती हूँ, उसके बाद मैं खाती हूँ, हम लोग साथ में खाते हैं। शाम का वक्त हो गया है, और शाम के वक्त में मैं आप लोगों से बोली थी ना, मैं इसके बड़े बनाऊँगी, मतलब ये चप बनाऊँगी। तो चलिए मैं बनाना स्टार्ट करूं, और देखो ये कैसा बनता है, इसका टेस्ट कैसा होता है। फर्स्ट टाइम बना लिया, ऐसे तो ये खाने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, सिर्फ इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता का कमी हो गया है, अगर वो रहता तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा होता। मैंने आप लोगों को इसकी रेसिपी नहीं दे पाई थी, क्योंकि उस वक्त मेरा देवर आ गया था, इसलिए। तो मैं आप लोगों को इसकी रेसिपी दे दूंगी, आप लोग अपने घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे। तो चलिए हम लोग पकौड़े इंजॉय करें। और हाँ, मैं अपनी वीडियो को यहीं पेंड करती हूँ, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।